ओके दोस्तों, आज हम बात करने लगे ऐसे पांच स्मार्टफोन की जो भारत के अंदर अभी तक के सबसे सस्ते स्मार्टफोन माने जाते हैं, जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पे देखने को मिलेंगे, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन काफी अच्छा प्रोसेसर है, इसके अंदर आप अल्ट्रा HD हाई ग्राफिक्स गेमिंग सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो इसके अंदर आपको कोई भी चीज की कमी तो होने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों आपके लिए ऐसे पांच स्मार्टफोन आज मैं लेके आया जो भारत में इस टाइम सबसे सस्ते क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 पर आते हैं। तो शुरुआत करूं अपने पहले स्मार्टफोन, तो सबसे पहला हमारा स्मार्टफोन होने वाला है IQ3। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसकी कीमत की, तो इसके 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की आपको 31,990 रुपए कीमत देखने को मिलेगी। वहीं अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वहीं इस फोन में आपको 4440 एमएच की एक बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके 55 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। और इस फोन में भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इन डिस्प्ले आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर इसके कैमरे की बात करें, तो इसके बैक पैनल पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल के साथ, जिसके अंदर आपको 3 सेंसर और भी देखने को मिल जाएंगे, 13 मेगापिक्सल का 20x डिजिटल जूमिंग के साथ, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का बोके मोड देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी के लिए इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करें दोस्तों अगले स्मार्टफोन की, तो अगला हमारा स्मार्टफोन होने वाला है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का Mi 10T। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट 35,999 रुपए का देखने को मिलेगा। वहीं इस फोन के अगर फीचर्स की बात करें, तो इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 144 के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको एमोलेड देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर आपको 144 का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि इसकी डिस्प्ले को काफी शार्प बना देता है। इस फोन में आपको एक 5000 एमएच की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। जो आपका फास्ट चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। वहीं इस फोन के अगर कैमरे की बात करें, तो इसके बैक पैनल पे आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल के साथ, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। सेल्फी के लिए इसके अंदर आपको एक 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट में एक और स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से आता है Mi 10। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको Qualcomm Snapdragon 865 पे देखने को मिल जाएगा। तो कीमत की बात करें, तो इसके 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की आपको 44,999 रुपए कीमत देखने को मिलेगी। तो अगर इसके कैमरे की बात करें, तो इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा बैक में, वहीं 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन में भी आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफी अच्छा माना जाता है। तो बात करें दोस्तों अगले स्मार्टफोन के बारे में, तो हमारा अगला स्मार्टफोन होने वाला है Realme की तरफ से, Realme X50 Pro। दोस्तों स्मार्टफोन की अगर पहले मैं कीमत की बात करूं, तो इसके 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत आपको 41,999 रुपए देखने को मिलेगी। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले भी इसकी काफी अच्छी है। और इसके अंदर आपको 4200mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके 65 वोल्ट के एक सुपर फास्ट चार्जर के साथ आती है। इसके कैमरे की बात करें, तो इसके बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल के साथ, वहीं 3 अन्य सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे 12+8+2 मेगापिक्सल के। और सेल्फी में भी आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल+8 मेगापिक्सल। और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको Qualcomm Snapdragon के 865 पे भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है। बात करें दोस्तों अगले स्मार्टफोन की, दोस्तों अगला हमारा स्मार्टफोन होने वाला है OnePlus की तरफ से, OnePlus 8। दोस्तों इसकी कीमत अगर आपको बताऊं, तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की आपको 41,999 रुपए देखने को मिलेगी। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो ये सारे स्मार्टफोन मैंने आपको बता दिए, इनके अंदर आपको Qualcomm का ही फ्लैगशिप प्रोसेसर 865 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, ये इंडिया में सबसे सस्ते स्मार्टफोन है जिनके अंदर आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल रहा है। दोस्तों 865 में अगर आपके फायदे में बताऊं, तो इसके अंदर आपको अल्ट्रा HD हाई ग्राफिक्स गेमिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों अगर कोई हैवी स्मार्टफोन आप परचेज करना चाहते हैं, तो इस लिस्ट में से कोई भी एक स्मार्टफोन आप ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ते स्मार्टफोन है जो कि आपके एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो कि Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 के साथ आता है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।